हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचनी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन की। पवनदीप राजन के इंस्टा अकाउंट की बात होने वाली है। फ्रेंड्स, बात यह है कि कुछ ही घंटों पहले पवनदीप राजन ने एक अपडेट डाला था, एक स्टोरी, एक अपडेट डाला था। उसमें ये था कि उन्होंने तृप्ति डिमरी को साथ में देवर कोलेबोरेशन में देवर शेयरिंग सम अपडेट्स, एंड अपडेट में लिखा था पवनदीप राजन जो उनके शब्दों में एक अच्छे गायक की पहचान उसके सुर और ताल से की जाती है। थैंक यू एट काला फॉर इंस्पायरिंग मी विद योर म्यूजिक। और इसमें तृप्ति और पवनदीप इन दोनों का पिक्चर भी है, हालांकि मुझे दोनों ने साथ में खिंचवाया ऐसा फोटो लग तो नहीं रहा है, बट मे बी आजकल क्या है ना, ग्राफिक्स की दुनिया में क्या क्या क्रिएट नहीं होता है अब इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ओके, मैं इस बात से मना ही नहीं कर रही हूँ। सो फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई काला और तृप्ति और पवनदीप, ये कनेक्शन क्या है? क्या काला में पवन का कोई सॉन्ग है? तो मैंने जितने भी सॉन्ग्स अवेलेबल थे, जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, वो सब छान ली। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मेरे सामने नहीं आई। उसके बाद सर्टनली मैंने तब तक अपने सोर्सेस में इंफॉर्मेशन के लिए मैसेजेस और अपने तरीके से काम करना शुरू कर ही दिया था। ये तो साथ के साथ साइड बाय साइड माय रिसर्च वाज गोइंग ऑन, वर्किंग ऑन द स्टोरी। उसके बाद फिर मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि पवन कोई रोल वोल निभा रहा है। तो मैंने वो भी चेक करने की कोशिश की, मैंने अलग अलग अकाउंट्स में जाकर देखा, अलग अलग से इन्फॉर्मेशन निकली। फिर एक थोड़ी सी हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन मेरे पास मेरे नेटफ्लिक्स में जो सोर्सेज है वहां से निकल कर आई। मैंने कहा अच्छा, जब तक वो कंफर्म कर रहे हैं तब तक मैं और कुछ रिसर्च कर लेती हूँ। फिर मैं तृप्ति के अकाउंट पर गई, इंस्टा अकाउंट पर, और मैंने देखा वहां पे बहुत सारे संगीत से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस फिल्म के बारे में लिख रहे हैं। और जैसे नेहा भसीन है, नेहा भसीन को आप फर्स्ट गर्ल बैंड अगर आपको याद हो, वीवा, जो हमारे देश में एक रियलिटी शो से चार से पांच अलग अलग लड़कियों को चूज करके लाया गया था, उसमें से नेहा भसीन रही हैं, इनके गाने भी फेमस हैं। फिर मैंने देखा अमित त्रिवेदी के साथ तृप्ति का एक अपडेट है। फिर मैंने अपडेट देखा शंकर महादेवन जी के साथ, जो कि सारे गमा पा लिटिल चैंप्स में भी नजर आते हैं। और साथ ही साथ मैंने देखा अभी तृप्ति का विद विशाल, विशाल बदलानी, विशाल शेखर वाले विशाल, जो इंडियन आइडल 12 एंड 13 में भी दिखाई देते हैं और जज के तौर पर दिखाई देते हैं। और वो लिखते हैं कि भाई कांट वेट टू रिकॉर्ड अ सॉन्ग विद यू इन द स्टूडियो। मैंने कहा भाई यार ये तो बड़ी अलग चीज है, ये तो कुछ नया ही चल रहा है। फिर मैंने कहा ये स्टोरी क्या है, थोड़ी बहुत तो मुझे मालूम ही थी। मैंने फिर से रिसर्च करना शुरू किया। स्टोरी कुछ ये है कि काला नाम की एक सिंगर है जो बहुत बेहतरीन गाना गाती हैं, और इनफैक्ट शेरशाह ने जो गाना जिसमें आवाज दी है वो गाना भी मुझे बहुत तोरी अटरिया, वो बहुत सुंदर लगा है। वो जो जिस तरीके से जो एक पीस म्यूजिक का बनाया है, जो गाना बनाया है, मुझे ऐसा लगा जैसे ठुमरी गा रही हूँ, वो बहुत सुंदर गाया है। मैंने शीशा को इनफैक्ट लिखा भी था कि मुझे बहुत सुंदर लगा है वाला गाना, अपनी स्टोरी में भी मैंने लिखा था, कहा था सॉरी। और फिर समझ में आया कि ये वो लड़की है जो अपनी माँ से हर चीज के लिए सहमति और परमिशन चाहती है, और कैसे अपने गाने में ही और जिंदगी में ही इस गानों की वजह से, संगीत की वजह से कितने उतार चढ़ावों से गुजरती है। काला ये कहानी है, काला ये फिल्म है। मैंने कहा ठीक है। तब तक मुझे एक इंफॉर्मेशन नेटफ्लिक्स की तरफ से ये आ गई थी कि जो काला और ये जो कोलैबोरेशन किए जा रहे हैं, चाहे वो पवन से हो, चाहे वो शंकर जी से हो, चाहे वो विशाल शेखर वाले विशाल से हो, ये कोलैबोरेशन इसलिए किए जा रहे हैं ताकि ये फिल्म को प्रमोट कर सके। आई वॉज वेरी हैप्पी। आई मीन विशाल के साथ नाम जा रहा है, शंकर के साथ जा रहा है, तृप्ति डिमरी जो कि खुद भी उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, वो पवनदीप के साथ में है। तो एक तरीके से मुझे एक होता ना एक एहसास, एक बिलीफ हुआ कि पवनदीप राजन आज की डेट में यारों के यार तो हैं ही, साथ ही में खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है। लोग चाहते हैं कि पवनदीप राजन का नाम उनके ब्रांड से भी जुड़ जाए, विच आई रियली लाइक। आई होप ये सफर ऐसा ही बढ़ता रहे। आई होप पवनदीप राजन जो है वो अपने आप में इतना बड़ा नाम हो जाए कि लोग जब अपने जबान से उनका नाम लें तो नाम बाद में ले, आशीर्वाद पहले बरसाएं। चलिए, ये मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गई। अब आप मुझे बताइए ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी है। जय हिंद।